हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो आज ईद का दिन, तो सबसे पहले आपको आप सभी को ईद मुबारक। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिन है, धूप निकली भी है। वैसे तो रेन एक्सपेक्टेड थी, मगर बहुत ही अच्छी अल्लाह मैंने मौसम कर दिया। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर कैनेडा में ईद सेलिब्रेट होती है। अभी मैं जा रहा हूँ लेक व्यू की साइड, वहाँ पर होगी ईद की नमाज़ और फिर जो रिफ्रेशमेंट्स और क्या वाइब्स होती हैं तो वो सब कैप्चर करते हैं। पहली बार मैंने ये जब्बा पहना है, मैंने यही कनाडा से लिया है, अराउंड $50 का। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मगर कॉलेज में स्टॉल लगे हुए थे और टू सपोर्ट अ बिजनेस मैंने ये ले लिया था। सो हमारी राइड आ चुकी है ये। और हम उतर गए कैब से और ये हमारे साथ माफिया भाई और इफ्तिकार भाई दोनों ब्लॉगर हैं। एक फूड ब्लॉगर है और एक जम्मू ब्लॉगर है। पूरा ब्लॉक है। अच्छा, हम गाड़ी लेके नहीं आए भाई। गाड़ी लेके नहीं, गाड़ी है ही नहीं। ओ भाई, अच्छा गाड़ी नहीं है। बताओ कि गाड़ी नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये है ईद मुबारक। कुलवा स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बनाते हैं और फिर स्टार्ट। Where people are not able to celebrate this day of Eid because of the atrocities and the oppression, difficult and tremendous suffering. How many of them are not, even little children, were willing to take Allah's deen and return their thoughts back to Allah? The second rak'ah wudu, we will recite the three extra takbirat, and then after the third takbir on the الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله The celebration sings Ey Mubarak, oh blessed day In unity Come to pray, love and kindness, peace we share in this moment beyond compare. From dawn's first light, prayers arise, gratitude in every sign, breaking fast with sweets and treats, blessings abundant as we meet. Ey Mubarak, oh blessed day, in unity we come to pray, love and kindness. सो यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह भी मिल रही है। सो ब्रो, कैसी रही आपकी पहली ईद है, दूसरी ईद? मेरी यहाँ पे तो ये पहली ईद है कनाडा में। अच्छा, सबको ईद मुबारक। काफी अच्छा माहौल है यार यहाँ पे, ओशो में है हम और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतने बंदे होंगे, बट हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, फजान भाई से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। अच्छा, और इनके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो यार, अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट बना रहे हैं ये। शुक्रिया मारिया भाई, पीछे छुप के खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या क्या फर्क लगा यहाँ की ईद में और इंडिया की ईद में? यार इंडिया की जो घर की ईद होती है, सारी फैमिली होती है साथ में, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस। तो यहाँ भी अच्छा है, अपने भाई साथ में, भाइयों के साथ ईद मना रहे तो काफी अच्छा लग रहा है। घर में इंडिया में जो दिखता है कि सिर्फ जेंट्स जाते हैं बाहर, यहाँ पूरी फैमिली। मेरे को हाँ ये चीज लगी, पिकनिक टाइम है जो है, सिर्फ जेंट्स जाते हैं ईद मनाने या बच्चे होते हैं। बच्चे तो यहाँ पे लेडीज, मतलब लेडीज लोग का भी इंतजाम है, अच्छा सारा इंतजाम है। तो ये मतलब एक अच्छी चीज है वैसे सारा, और यहाँ पे लोग आपसे मिलते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई छिछोरापन हो रहा है या कोई किसी को छेड़ रहा है, जैसे यहाँ हाँ, लड़कियाँ देख रहे हैं वो, हाँ, ये गलत काम है। मतलब सब वो देख, वे वो देख। दीन के दायरे में हो रहा है, दीन के दायरे में रह के हो रहा है। तो हाँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान हमारे वहाँ पे होता है खुला सा वैसे, बट वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे अच्छा माहौल है। भाई हमें एक दावत मिल गई है यहाँ से, आंटी ने दावत दे दी है हमें, तो अभी हम इनके घर जा रहे हैं हलवा पूरी खाने और वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। क्या ईद की नमाज की बात शुरू, तो भाई इंडिया वाली फीलिंग है यहाँ पर हमारे। इंडिया वाली ये तो वेस्ट की फीलिंग है भाई, मेरे को हम आ गए हैं आंटी के घर, यहाँ पे हलवा पूरी खाते हैं, पार्टी करते हैं, ईद पार्टी। भाई साहब अभी यहाँ जो है दावत हो रही है, तो ये हमारे फैजान भाई और ये जो है मारिया भाई, शर्मा रहे आज पता नहीं क्यों। मैं आता नहीं हूँ ना।
कम से कम 6 पूड़ियां खा चुके हैं अभी तक। वही तो काफी अच्छी दावत रही यार हमारी यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हाँ, मैंने तो पहले भी खाया, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। हलवा पूरी पाकिस्तानी डिश है, बहुत फेमस है। थाली में क्यों भर रहे हो? मतलब भाई कुछ तो याद करो, पहला दे रहे तुरमान खत्म नहीं हुआ, शैतानी शुरू। Through fasting's trials we find strength, and charity our hearts extend, for aid unites us far and wide, and faith's embrace side by side. Able Barak, oh blessed day. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दावत हो गई है माशाल्लाह। उन आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अच्छे से हमें हलवा पूरी खिलाई और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के अब मैं जा रहा हूँ घर। अब है मेरा कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद एक प्रेजेंटेशन वगैरह है कॉलेज में, वो देनी है। शाम को एक और दावत, वो भी दिखाते हैं आपको। As you know, we spend some of our time every day on social media, whether it's for entertainment or for sharing our experience related to politics, movies or sports. So bhai presentation ho gayi hai, ab ja rahe hain dusri daawat ki aur, to wahan ja ke dekhte hain kya scene hai, wahan ki kuch clips aapko dikhate hain. Bas banao yaar, ab aur paas mein leke aao. अच्छे से बनाना है। अरे पराठे बन रहे भाई, फैजान भाई के लिए पराठे। अच्छा रेडीमेड है, मतलब मेरे को सिखाया पराठे कैसे बनाते हैं। अच्छा, और ये हमारी मालकिन जो है उनके घर के लिए बन रहे पराठे। अच्छा आप जॉब करने आते हो क्या? अच्छा बड़ा अच्छा कुर्ता, शहनील का कुर्ता है। हाँ, बिल्कुल। हाय प्रिया, ईद मुबारक। कम ब्रो, अरे ब्रो 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 भाई मेरे को क्या, मेरे को क्या ले रहे हो भाई? अबे अबे भाई भाई, तुम्हारे इंटरेस्ट लड़कों में है मैं समझ गया। इसलिए 15 मिनट जल्दी आ रहा हूँ भाई। मैं और देखा बहुत।
celebration sings. Eid Mubarak, oh blessed day. In unity we come to pray. Love and kindness, peace we share. In this moment, beyond compare. From dawn's first light, prayers arise.